और सफल होने के लिए टैलेंट के साथ साथ लगन और धैर्य का होना भी बेहद जरूरी है। यूपीएससी की परीक्षा में पास हुए कई युवाओं ने बताया कि सबसे अच्छा होता है अपनी भूलों से सबक लेना, फिर उन भूलों को सुधार कर आगे बढ़ना। बार बार असफल हो रहे हैं तो रणनीति यानी पढ़ाई के तरीकों में बदलाव की जरूरत है। और क्या है यूपीएससी टॉपर के सक्सेस मंत्र, जानिए उन्हीं की जुबानी। जैसे कि कहते हैं कि यूपीएससी स्प्रिंट नहीं है, मैराथन है, और लंबी मैराथन है। तो मेरे लिए सीरियसली ये एक बहुत लंबी मैराथन थी, क्योंकि इसके पहले 5 अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था। 6 अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू हुआ है और आई गॉट दी 658 रैंक। और काफ़ी मेहनत और काफ़ी अच्छा रिजल्ट। और जहाँ तक आरसीए की बात है तो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन आरसीए का ही है, क्योंकि खाली प्रीलिम्स क्लियर करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपका मेंस का भी प्रिपरेशन वैसा होना चाहिए कि आपको इंटरव्यू कॉल आए और आप अच्छा परफॉर्म कर पाओ। तो मेरा मेंस का अच्छा खासा प्रिपरेशन, आंसर राइटिंग, ऑप्शनल की पीयर लर्निंग, ऑप्शनल का एक दूसरे से सीखना और कंसेप्चुअल क्लैरिटी, काफ़ी आरसीए में मैंने अपने दोस्तों के साथ पीयर लर्निंग के थ्रू की है। तो आरसीए हैज मेजर रोल टू प्ले इन इट। मेरी जर्नी काफ़ी लंबी हो गई है, 4 से 5 साल, बट कहते हैं फेलियर इज योर ग्रेटेस्ट टीचर। तो सीखा है कैसे फेलियर इज, आप ग्रेसफुली उसको एक्सेप्ट कर सकते हो, और एवरी सेटबैक आपको कैसे स्ट्रॉन्गर होकर बाउंस बैक करना है। तो मेरी जर्नी में आरसीए ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो या इंटरव्यू हो, तो यहाँ से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। मैं यही कहना चाहूँगी कि आप कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करते रहिए, खुद पे भरोसा रखिए। प्रोसेस थोड़ी डिफिकल्ट है, हेक्टिक भी है, फिजिकली मेंटली सभी तरीके से, लेकिन खुद पर भरोसा रखिए। फ्रीक्वेंटली रियलिटी चेक करते रहे, अपने कितना क्वालिटी के साथ हमने काम किया है उस पर फोकस करें, कितने घंटे नहीं लेकिन कितना क्वालिटी टाइम आपने स्टडी टेबल पे बिताया है उस पर फोकस किए तो सफलता मिलेगी। किसी की भी जर्नी विदाउट चैलेंजेस तो नहीं होती है। मेरी भी जर्नी में हो सकता है मुझे जो चीज चैलेंज लगे वो किसी और को ना लगे, उनके लिए वो बहुत स्मूथ राइड हो। तो डेफिनेटली चैलेंजेस थे, मैं नहीं कहूंगी कि कोई बहुत बड़े चैलेंजेस थे, बट स्टिल देयर वर चैलेंजेस फॉर मी। आई बिलोंग टू उधराना इन भद्रवाह, जो कि ऑब्वियसली लाइक यू सेड इज अ वेरी रिमोट प्लेस। मेरी जो अर्लियर स्कूलिंग है, प्राइमरी स्कूलिंग, वो किश्तवाड़ में हुई, विच अगेन इज अ वेरी रिमोट डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बट देन माई पेरेंट्स गॉट ट्रांसफर टू जम्मू और फिर मेरी बाकी की स्कूलिंग यहाँ से हुई। हमेशा से ये था मन में कि कुछ ऐसा करूं जिससे मैं अपने पेरेंट्स को और जो एरिया जहाँ से मैं आती हूँ वहाँ के लोगों को प्राउड फील करवा सकूँ। पिछले वर्षों के पेपर्स देखे, समझा किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, उस तरह से फिर पढ़ने की कोशिश की, अपनी गलतियों से भी सीखा। ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था, दोस्तों से डिस्कस करता था। जी सर, मैंने कोचिंग ली थी, मैंने जब कॉलेज में 3rd ईयर में था तब मैंने शुरू की थी पढ़ाई। अगर दिख रहा है कैसे इम्प्रूव करा जा सकता है, अगर अपनी गलती समझ आ रही है तो मेरे ख्याल से कोशिश करनी चाहिए, अच्छा मौका मिलता है। कई लोग 5वीं या 6ठी बार में भी बहुत अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। 3 स्टेज का एग्जाम है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। और प्री और मेंस, हालांकि तीनों जो स्टेजेस है काफी हद तक लिंक है ही। जो आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है वो भी कहीं ना कहीं या तो आपके एजुकेशन बैकग्राउंड से रिलेटेड होता है, आपके बैकग्राउंड से, या फिर कहीं ना कहीं जो आपने पढ़ा हुआ है उन सब चीजों से। तो तैयारी उसी हिसाब से होती थी कि ऑफकोर्स अगर आप जैसे ये टाइम चल रहा है, प्री आने वाला है, तो मोस्टली आपका फोकस प्री की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो जाता है। इससे पहले आप प्री और मेंस दोनों की तैयारी करते हैं, जैसे ही आपका प्री हो जाता है तो आप मेंस पे फोकस शिफ्ट हो जाते हैं। हर स्टेज की तैयारी में थोड़ा फर्क है, क्योंकि प्री ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो वहाँ पे आपका मेन फोकस होता है कि आप जितना कंटेंट कवर कर सकते हैं उसको बार बार रिवाइज करके प्रैक्टिस करें। और मेंस के अंदर क्योंकि सब्जेक्टिव है तो आंसर राइटिंग का मेन इंपॉर्टेंट हो जाता है।